नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित दहिया आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपना पहला टॉपिक प्रतिशत यूट्यूब पर डालने जा रहा हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिशत टॉपिक डालने का मेरा महान उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि सबसे पहले मैं बहुत से टीचर मैंने जैसे देखे हैं, बहुत से टीचर्स या कईयों की अपनी अपनी आदतें होती हैं, कोई कहाँ से स्टार्ट करता है, कोई कहाँ से स्टार्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिशत टॉपिक जो है वो तीन चार टॉपिक को कवर करेगा, आपका लॉस एंड प्रॉफिट को भी कवर करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपका लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज में होता है। उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी क्लियर करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी रेट आपकी परसेंटेज में होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिशत के अंदर आपको इस चीज़ को समझना होगा कि प्रतिशत का मतलब, देखिए, प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब 100 होता है। सारा का सारा काम इस टॉपिक के अंदर प्यारे बच्चों सिर्फ 100 पे करना है आपने। 100 के ऊपर आपने काम करना है, अपनी तरफ से कोई कुछ भी नहीं मानना, आपने एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं मानना है। सिर्फ विद इन 2 सेकेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा 5 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आपके साथ होगा। शुरू करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूँगा। बेसिक का मतलब है इस टॉपिक के बारे में आपको समझाना चाहूँगा कि इस टॉपिक में आपने करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बेसिक से बेसिक आपको ये बोला जाए कि 2/10 को आपने परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे 2/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं भाई, गुणा में 100 करते हैं। जैसे आप यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, 10 की और 2 के साथ गुणा करते कितना आता है 20, ये आपका आंसर आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ये भी पूछा जाए कि 0.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो देखिए आप पहले इसकी क्या करेंगे, इसकी दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाएंगे तो एक स्थान बाद दशमलव है, इसलिए हम नीचे 10 लिख देंगे। अगर 2 स्थान बाद दशमलव होती प्यारे बच्चों, तो नीचे हम क्या कितना लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। और प्रतिशत में बदलना है तो प्यारे बच्चों गुणा में हम कितने कर देते हैं, 10। 0 से हम 0 काट देते हैं, कितना आ जाता है अभी 50 आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या को बदलना, जैसे ये पूछ ले कि 2 को प्रतिशत में बदलो, तो कई बार है ना, आप निकालते तो सही है, लेकिन अपने आप को कन्फ्यूज कर लेते हैं आप कि 2 को प्रतिशत में बदलें, तो आंसर आपको मिलता है 2 और 200 20 या फिर 0.2। तो आप सोचते हैं कि 2 का प्रतिशत तो 2 ही होता होगा, लेकिन 2 का प्रतिशत आपने निकालना है तो 2 का प्रतिशत निकालोगे कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि 2 का प्रतिशत निकालिए। जैसे ये पूछे आपके कि 1/5 का प्रतिशत निकालो, तो 1/5 का प्रतिशत का मतलब गुणा में आप क्या करते हैं, 100 करते हैं, काटते हैं इसको कितना आता है 20। अब यहाँ से आपका आंसर 20 आया है, यहाँ से देखिए 2 को प्रतिशत में बदलना, तो आपका आंसर क्या होगा, 200 होगा, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ एक आपको फ्रैक्शन समझाना चाहूँगा, वो आपको याद भी रखनी है, क्योंकि आपके लॉस एंड प्रॉफिट में भी काम आएंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि फ्रैक्शन को अगर आपने परसेंटेज में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 1/2 से, ठीक है, 1/2 को अपने परसेंटेज में बदलना हो तो गुणा में 100 ही तो करते हैं, कितने के बराबर होता है अभी, 50% के बराबर होता है, ठीक है। जैसे 1/3 होता है, तो उसके बराबर आपने याद रखना है कि 1/3 को गुणा में 100 करेंगे, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कितना होता है, 33.1% होता है। वैसे ही 1/4 होता है, तो उसको प्रतिशत में बदलना है तो प्यारे बच्चों ये होता है 25%। उसके बाद देखिए 1/5 होता है, उसकी प्रतिशत बदलते हैं, तो बदल के तो मैंने बताया ही कि गुणा में क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, हम 100 कर देते हैं, 5 से 100 काटते हैं तो कितना आता है अभी, 20%, यानी कि आपका उत्तर आता है 20%। उसके बाद देखिए 1/5 को आप 20 कर देते हैं, तो 1/6 देखिए प्यारे बच्चों, इसको गुणा में 100 करके काटते हैं हम, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, 2 से 3, और ये कितना हो जाएगा 50। तो प्यारे बच्चों इसको आपने ध्यान रखना है कितना आएगा अभी, 16 से 2/3%, ठीक है। 1/6 का आपने बताया, 1/7 का देखिए, 1/7 को भी आप गुणा में 100 करेंगे, ठीक है, तो गुणा में 100 करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि 7 से इसको भाग करते हैं तो 14 से ही 1/7% होता है, 2/7 होता है, क्योंकि इसको भाग करते हैं तो यही तो आता है। उसके बाद 1/8 में परे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये होता है 12.5%, ठीक है। उसके बाद 1/9 जो होता है वो आपका होता है, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा में शो करते हैं, लेकिन ये काम कहाँ पे आएगी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, परसेंटेज का टॉपिक
आपके लॉस एंड प्रॉफिट को भी क्लियर करेगा, आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी क्लियर करेगा। तो ये होता है प्यारे बच्चों 11 से 1/9%। 1/10 जो होता है वो आपके 10% के इक्वल होता है। और आपका आएगा क्वेश्चन ऐसे कि उसके अंदर परसेंटेज में दिया मिलेगा कि 16 से 2/3% आपका लॉस हुआ है या 16 से 2/3 आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर रेट है। तो इसमें आपको इसके इसमें काम लेना है कि 16 से 2/3% जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होती है, 1/6 के बराबर होती है। 14 से 2/7 फ्रैक्शन होती है वो 1/7 के बराबर होती है। और 12.5% जो है वो 1/8 के बराबर होती है। और 11 से 1/9% जो है वो 1/9 के बराबर होती है। उसके बाद देखिए 1/11 जो है वो आपका 9 से 1/11% के बराबर होता है। 1/12 जो है वो आपका 8 से 1/3 के परसेंट के बराबर होता है। क्योंकि 1/12 को जब आप गुणा करेंगे 100 से, तो देखिए 4 से 4 3 12 और 4 से हम काटते हैं तो 25, और काटते हैं तो 25 को 3 से भाग करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आता है 8 से 1/3। उसके बाद 1/13 आपका परसेंटेज निकालते हैं तो 1/13 आता है 7 से 9/13%। क्योंकि ये काम में कहाँ आएंगे, जब आपको रेट बोल देगा कि रेट जो है वो आपकी 7 से 9/13% है, तो उसको आपने किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में 1/13 में काम में लोगे तो। उसके बाद 1/14 होता है, तो देखिए 1/14 वही बात है, 1/7 से 1/7 बोल सकते हैं आप। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों 1/14 को आप जब फ्रैक्शन में बदलेंगे आप तो गुणा में आप 100 करते हैं, 2 7 14 और 2 से, अब देखिए 7 7 49, 1 बचा आपका 1/7 यानी कि 7 से 1/7%। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे 1/15 है, 1/15 भी आप कितना होता है अभी 6 से 2/3% होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको भाग करेंगे तो आपका इतना आएगा। 1/16 होता है आपका, 1/16 भी आपका कितना होता है देखिए 6 से ही इसको भाग करेंगे आप तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 1/16 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 4 से काटते हैं और 4 से इतना था 25, ठीक है, तो 1/4% होता है। फिर उसके बाद आप 1/17 करते हैं तो 1/17 भी प्यारे बच्चों देखिए कितना होता है, 5 से 15/17 होता है, 5 से 15/17% के बराबर होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे निकालते जाएंगे आपका क्वेश्चन आते रहेंगे, याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि फ्रैक्शन आपको आगे काम आएंगी। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसे याद करना है आपको कि जैसे मैंने बताया 1/8 है, 1/8 जो होता है वो आपका 12.5% के बराबर होता है, ये 12.5% जो है वो 1/8 के बराबर होती है। जैसे 1/9 होता है तो 1/9 है आपका वो किसके बराबर होता है, सॉरी 1/8 नहीं 2/8, 1/8 के बाद 2/8 याद रखनी है आपको, कितना होता है 25% होता है, ठीक है। उसके बाद 3/8 होता है वो आपका 37.5% होता है। आपको ध्यान कैसे रखना, देखिए 1/8 12.5% है, उसके बाद 1/8 का मतलब 1/8 इसके अंदर और ऐड हो रहा है तो 1/8 की वैल्यू 12.5 है, तो 1/8 में 12.5 है और 1/8 और ऐड हो गया, इसका मतलब 12.5 और ऐड होगा 25% है। उसके बाद 2/8 के अंदर 12.5% और जुड़ रहा है तो मतलब 25 में 12.5 जुड़ेगा तो 37.5 हो गया। 3/8 के अंदर जब 1/8 ऐड और होगा तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा 4/8, और इसका मतलब देखिए 37.5 में 12.5 और जोड़ दीजिए कितना होगा 50%, या वैसे भी आएगा भी 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 है वो 50% होगा। उसके बाद देखिए 5/8% जो है इसमें 12.5 और जुड़ जाएगा यानी कि 62.5%। उसके बाद आपका 6/8 होता है, 6/8 होता है आपका कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। प्यारे बच्चों 7/8 जो होता है वो आपका हो जाएगा 87.5%, और उसके 8/8 का मतलब एक यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। तो थोड़ा इस जो आपको मैंने फ्रैक्शंस बताई हैं ये आपके काम में आने वाली हैं, और मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि क्वेश्चन आपके किस तरीके से आते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ। जैसे ये बोला जाता है आपको कि किसी
संख्या का, किसी संख्या का 12% 60 है, उसका 70% कितना होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक आसान सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे का के ऊपर मैं गोलदारा कर रहा हूँ, इस बात को समझना आपने। कहने का मतलब है किसी संख्या का, मतलब कोई संख्या है उसका जब आप 12% निकालते हैं तो आपका 60 आता है। देखिए कहने का मतलब है, आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो 12% जो है वो 60 के बराबर है। किसी संख्या का जब हम 12% निकालते हैं ना तो उसका 60% आता है, और उसका जब हम 1% निकालेंगे तो एक होता है भी कम, भी 60 के नीचे हम कितना लिख देंगे 12। और अगर उसका 100% यानी वो संख्या निकालने तो हम गुणा में 100 कर देंगे, लेकिन वो पूछ रहा है उसका 70% बताओगे, तो 70% का मतलब 60/12 और गुणा में कितना कर देंगे भैया 70 कर देंगे। अब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, तो 12 से काटेंगे तो हम कितना आएगा 5, और 70 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया 350। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। देखिए डायरेक्ट करना, आपको किसी संख्या का 12% 60 है तो आपने क्या करना है कि 60 जो है वो 12% के बराबर यानी कि 12 उसके नीचे लिख दीजिए, और क्या निकालना है वो आपको मल्टीप्लाई में करना है। डायरेक्ट करिए, 12 से 12 5 60 कितना आ जाएगा अभी 350। यहाँ पर ये पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि वो संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये 12% है, आपको 100% निकालना है, तो गुणा में क्या करना है आपको 100 करना है, और 12 से काटेंगे तो 12 5 60, 100 से कितना कर देंगे अभी 500, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 500। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। किसी संख्या का 24%, किसी संख्या का 24%, 120, आप झटके के साथ एक मिनट में नहीं, आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, और उस संख्या का मैं लिखता हूँ ना, इतने से पहले आप निकाल दोगे, उस संख्या का 40% कितना होगा। अब देखिए ये बोला किसी संख्या का 24% 120 है, तो मैंने बताया था 120 जिस संख्या के साथ का लगा होता है पहले वो आपने नीचे लिख देना है, और उस संख्या का 40% गुणा में करके देंगे 40, 24 से काट देंगे, 24 5 120। देखिए प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको नहीं काटना आता है, 2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ये काटना आता है तो आप गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा अभी 200, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 200। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। ये पूछ लिया आपको किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 30% 45 है तो उस संख्या का 70% कितना है। देखिए आपको क्या करना है, 45 के बटे में 30 लिखना है, और गुणा में क्या करना है अभी 100 करना है, अब काट दीजिए आप इसे, 15 और 15 7 100। यहाँ पे पुस्तक वो संख्या क्या है तो हम गुणा में 100 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे किसी संख्या के 18% में यदि किसी संख्या के 18% में 56 जोड़ने पर 25% प्राप्त होता है तो उसका 70% है, यानी कहने का मतलब 70% निकालना था। देखिए किसी संख्या के 18% में, कहने का मतलब वो संख्या 18% है, अभी यहाँ पे वो संख्या है 18%, ठीक है, जब इसके अंदर जब हम 56 जोड़ देते हैं
तो वो यहाँ पे पहुँच जाती है, कहने का मतलब 25%। अब ये देखिए कि 18% से जब हम 25% पे जाते हैं तो इसका मतलब वो संख्या 56 ज़्यादा आती है। 56 जोड़ने से मतलब कहते हैं ये 25% कहने का मतलब, इनका अंतर देखिए कितने बराबर है, 7% का अंतर है। तो 56 जो है वो किसके बराबर है, 7 के, यानी कि 7% जो है वो आपके 56 के बराबर है। आपको 70% निकालना है, तो गुणा में कितना कर देंगे, 70 काटेंगे, 7 और 2 56 और 8 से 8 7 56, वो संख्या कितनी आ जाएगी, 8 560, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना टाइम दिया आपने, थैंक यू।